उत्तराखंड के उधम सिंह नगर दिनेशपुर नगर पंचायत के मुख्य मार्ग में फुटपाथ पर लगी दुकानों का पुलिस ने चालान काटा। इस दौरान साप्ताहिक तह बाजारी नगर पंचायत दिनेशपुर के ठेकेदार रविंद्र ने कहा कि दिनेशपुर नगर पंचायत बनने के बाद से ही व्यापारियों द्वारा फुटपाथ दुकान लगाई जा रही है। यहाँ दुकानदार बहुत गरीब लोग हैं, इन्हें अन्य जगह अस्थायी रूप से बैठाया जाना चाहिए, परंतु दिनेशपुर पुलिस द्वारा 10-10 हजार रुपए का चालान कर दिया गया। वही देवभूमि व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश नारंग ने कहा कि साप्ताहिक हॉट बाजार के दिन व्यापारियों द्वारा फुटपाथ पर दुकान लगाने से जाम की स्थिति बनी रहती है, परंतु इनको हटाने से पहले अन्य स्थान पर जगह उपलब्ध करा देनी चाहिए। इस बारे में पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जो पुलिस के द्वारा मतलब अतिक्रमण के उसमें किया गया है, अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया गया कि अतिक्रमण जो है नाली से बाहर ना किया जाए, और अतिक्रमण के माध्यम से बाजार में प्रत्येक दिन जाम लगता है, और ये अतिक्रमण हटाया गया है तो पुलिस ने अच्छा कार्य किया है और हम इस कार्य की सराहना करते हैं। लेकिन जो 10 हजार रुपये का चालान कटा है, लेकिन जो बाहर से व्यापारी आके अतिक्रमण कर रहे हैं, जो बाहर से फल व्यापारी आके अतिक्रमण करते हैं, उन लोगों की वजह से बाजार में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। तो इसलिए ये कल एक बैठक हुई थी व्यापारियों की और एक अपना पुलिस प्रशासन की, उस बैठक के माध्यम से बैठक में तय किया गया था कि कोई भी व्यापारी जो है नाली के बाहर सामान नहीं लगाएगा, नाली के बाहर सामान लगाने पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे आप? जो व्यापारी बोर्ड लगाकर अपना स्थायी रास्ता बंद कर रहे हैं, उसके समय विषय में भी बात हुई थी थाने में कि वह बोर्ड भी नहीं लगाएंगे, और जो सारे दुकानदार हैं प्रत्येक दिन पूरे सप्ताह के दिन जो है नाली से बाहर सामान नहीं लगाएंगे। ठीक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।